चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है, इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट्स मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि थ्री और मोर, तीन या तीन से अधिक, ठीक है, तो हमने तीन पैरेलल लाइंस लिया है, एल एम और एन, थ्री पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाई टू ट्रांसवर्सल। तो हमारे यहाँ जो ट्रांसवर्सल, एक ए बी है और एक हमारा सी डी है, ये वाला जो अब देख रहे हो, ये वाला और एक ये वाला, ये कहलाता है हमारा ट्रांसवर्सल। तो ये तीनों पैरेलल लाइंस हो गए, इन दोनों तीनों पैरेलल लाइंस को दो ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट किया जा रहा है, किस पॉइंट पे, तो पॉइंट पी पे, की पे और आर पे, यहाँ पे ई पे, एफ पे और यहाँ पे जी पे। ठीक है, अब हमको प्रूफ ये करना है, द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल, कहाँ पे ट्रांसवर्सल में जो इंटरसेप्ट बनाए जाते हैं वो प्रोपोर्शनल, मतलब ये जो है पी क्यू बाई क्यू आर। हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव पी क्यू बाई क्यू आर, ठीक है, बाई ई एफ बाई एफ जी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब ये जो इंटरसेप्ट जो बन रहे हैं ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं अब हम सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन लाइन एल एम एन आर पैरेलल एंड ए बी एंड सी डी आर ट्रांसवर्सल्स इंटरसेक्ट एट पी क्यू आर ऑफ लाइन एल एम एंड एन। लाइन एल एम एन आर पैरेलल है एंड ए बी एन सी डी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एट पी क्यू आर ऑफ लाइन एल एम एन एन एंड सिमिलरली सी डी इंटरसेक्ट एट ई एफ एंड जी। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ पी एल पैरेलल सी डी। हमने इस पी एल को इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, नाउ टू प्रूव ठीक है, नाउ ये इसके पैरेलल है। ठीक है, हम लिख सकते हैं पी एम पैरेलल ई एफ एंड पी ई पैरेलल एम एफ। ठीक है, क्योंकि हमने ड्रॉ किया है पी एल को इसके पैरेलल, तो इसका ये पार्ट पी एम क्या है, इसके पैरेलल होगा, और ये तो ऑलरेडी पैरेलल है ही, तो पी एम एफ के क्या है, पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो पी एम एफ ई क्या बन जाएगा हमारा पैरेलोग्राम, तो देयरफॉर पी एम एफ ई इज ए पैरेलोग्राम। अगर ये पैरेलोग्राम बन गया इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो पी एम इक्वल टू ई एफ, ये हमारा बन गया फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली
Similarly, ML parallel FG, ML parallel FG, and MF, and MF parallel LG. Therefore, ML GF is a parallelogram. ये इसके पैरेलल है, ये तो गिवन ही है, और ये फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा ML क्या जाएगा, ML किसका हो जाएगा, FG के बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो गया सेकेंड, ठीक है। अब इन ट्रायंगल PRL, इन ट्रायंगल PRL QM पैरेलल RL, QM पैरेलल RL बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा, ये और ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। देयरफॉर PQ बाय QR इक्वल टू PM बाय ML फ्रॉम थेल्स थ्योरम, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1, ठीक है। ये इसके पैरेलल है इसलिए इसका ये साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन हमारा जो PM है वो किसके बराबर है, PM किसके बराबर है, EF के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा PQ बाई QR इक्वल टू PM आ जाएगा हमारा EF के बराबर, और ML, ML किसके बराबर, FG के बराबर, FG। तो जब वो प्रूफ करना था PQ बाई QR, PQ बाई QR और EF बाई FG, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो यही हमारे रिसेप्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।